पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान इतने रहता है। पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान इतने रहता है। गाइस इन्होंने क्या मतलब बताया पाकिस्तान का, मैं तो आज के बाद धनिया हो गया हूँ। मैं धनिया हो गया हूँ। धनिया हो गया। हाँ जी, और कुछ कहना चाहते हैं? दिल की आखिरी कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना है दुनिया में आने की तो बताओ। कोई दिल की ख्वाहिश तमन्ना है? नहीं नहीं है। नहीं, ब्याह हो गया? नहीं। ये गजरे क्यों पहने हुए हाथों में? ये देखो, ये हमारी एशिया का सबसे बड़ा मॉल है जो कि कश्मीर के अंदर बनाने जा रहा है। वो इतनी फैसिलिटी छोड़कर हमारे पास आएंगे? नहीं, कभी भी नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, तो ये आप क्यों कह रहे नहीं आ सकते? तो कहते हैं, वो कहते हैं हमें अलग कर दिया जाए, हम ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं ना इंडिया के साथ जाना है, हमें एक अलग रियासत बना दे हमारा। जैसे वो सिख कहते हैं कि हम खालिस्तान बनाना चाहते हैं, तो इस तरह वो कहते हैं कि हमें भी अलग कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। जैसे बांग्लादेश को अलग किया था पाकिस्तान से, इस तरह से वो भी कहते हैं हमें अलग कर दो। हाँ जी, क्या पाकिस्तान, आप पर्सनली बताएं क्या चाहते हैं, अलग चाहते हैं या उन्हें पाकिस्तान के साथ चाहते हैं? नहीं, हम असल में चाहते ये है कि जो उधर हो रहा है ना, जो आए दिन कहते हैं कि ये हो गया वो हो गया, वो तो ऐसे बंदे हैं। इंडियंस? हाँ, इंडियन ऐसे। इंडिया का माहौल कैसा बना? धर्म पाकिस्तानी 18-20 हज़ार बनता है अगर आप उसको कन्वर्ट करें। आप इधर पाकिस्तान में किसी से कहे ना कि 100 रुपया लेना है, तो वो 10 दफा सोचता है कि मैं आपको पॉकेट में से देता हूँ या ऐसे। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप अगले के साथ इखलाक कैसा पेश कर रहे हैं, कि आपके साथ उनके साथ लैंग्वेज में और उनके साथ उनका रहना सहना ठीक है, तो वो ठीक है। इंडियंस थे, हिंदू थे या मुस्लिम? मैम वो इंडियन थे, केरला के। नहीं नहीं, हिंदू थे या मुस्लिम? हिंदू थे, उनकी अभी होली गुजरी है, हमने कटे होली मनाई है। ये तकरीबन मेरे ख्याल से फरवरी की लास्ट में, 26-29 तारीख को उनकी, 26-28 को तो महीना खत्म हो गया, 26-28 को उनकी होली थी। उन्होंने वहाँ पे बड़ा हमें वो किया, अच्छा गेस्चर पेश किया हमारे साथ बैठ के। वो क्या कहते हैं उसको, वो होली के जो होते हैं उनके त्यौहार, हमें खुद रंग लगाया उन्होंने, हम खुश हैं। मनाई है उनके साथ, सही बात है। वो हमें एक कमरे, मैं आपको बता रहा हूँ, 2-2.5 घंटे सफर के पास, 2-2.5 घंटे का जो सफर होता है जहाज में, उधर जाके हम इकट्ठे रह लेते हैं, नाल बुआ आल बॉर्डर, उधर नहीं हम इकट्ठे रहते, तो ये ज्यादा वाली बात। एक वेल एजुकेटेड पर्सन लग रहे हैं मुझे, जिन्होंने जिनको चाइना के बारे में पता। बहुत कम पाकिस्तानी लोग ऐसे हैं जिनको चाइना के अंदर, जो तिब्बत के अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो शीशगढ़ के अंदर हो रहा है, वहां पर तो मुसलमानों के साथ इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है, जो कि बर्मा और कश्मीर तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। सर, हम उनकी बात नहीं करते, क्या वजह? शो नहीं करता ना मीडिया, शो नहीं करता, क्योंकि करेंगे तो हमारा एक ही अमेरिका के साथ ऑलरेडी आपके सामने जो हालात हैं, फिर वो है, अगर उनके साथ भी ये करेंगे तो हम उनके मोहताज हैं, वो हमारे मोहताज नहीं है, ये फैक्ट है। लास्ट में जगह तो हमने बहुत लड़ ली है इंडिया के साथ, तो लास्ट में कैसे हम अलाटी कर सकते हैं, कैसे हम एक हो सकते हैं, कैसे आपको क्या लगता है हल क्या है एंड पे? हल यही है मेरे अकॉर्डिंग के, या उस लेवल का इनकलाब हो जिस लेवल पर हम अभी रेडी नहीं है। दूसरा यही है कि इन चीज़ों को, मतलब ग्रेजुअली चीज़ों को स्लो डाउन करके आस्ते आस्ते ठीक किया जाए, लेकिन ये जो द वे अब मुल्क जिस पॉइंट पर खड़ा है ना, तो ये इस चीज का हल नहीं है, अल्लाह ही वारिस है, बस ये दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो। लेकिन दोस्तों सभी को बता दें, जो पाकिस्तान इस समय दिवालियां पे जा रहा है, आपको बता दें कि वहाँ की एक लड़की दोस्तों कश्मीर की, उनकी आज़ाद कश्मीर की लड़की थी, और एक वीडियो बनाई थी कि हमें या आज़ाद करो या हमें भारत के साथ मिला दे दोस्तों, और पाकिस्तान के साथ हम लोग कतई नहीं मिलना चाहेंगे। तो आपको बता दें कि यही जो वीडियो थी, क्लिप पाकिस्तानी की पब्लिक को दिखाई जाती है, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं दोस्तों ये बोलते हैं कि इन्हें भारत वाले, इनके मतलब भारत के जो लोग हैं, ये लोग इनसे डराकर और इस पर बंदूक की नोक रख कर इसे बुलाते हैं। भिखारी को दोस्तों ये नहीं पता कि कोई भी इतनी इकोनॉमी जिसका गिरा हुआ है उसके साथ कोई भी मिलना नहीं चाहिए। अगर आपको पता होगा, अगर जो आज़ाद कश्मीर जो थोड़ा बहुत बचा है दोस्तों, अगर ये भी मिल गया उसमें, तो हमको लगता है कि ये भी सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि इतना आटा महंगा और कुछ भी महंगा होने के बाद इतना पाकिस्तान का ये हालत है, अगर मिल गया दोस्तों तो पाकिस्तान और उनका आज़ाद कश्मीर भी डूब गए हैं। दोस्तों पहली बार चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी दबा देना ऐसे वीडियो देखने के लिए। चलो दोस्तों बिना कुछ देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अब ईरान और सऊदी अरेबिया जो कि आपस में आप स्टंट एनिमी हैं, हर एक बात में उन पे इशू होते हैं, आज वो आपस में एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए हैं। तो लिहाजा इंडिया और पाकिस्तान को भी चाहिए कि इशूज रहते हैं हर जगह पे हैं, तो आपस में जो डिफरेंसेस हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ एक आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, अगर यही तारीफ कोई एक इंडियन मुस्लिम करता है तो हम कहते हैं कि उस पर दबाव डाला जा रहा है, उसको जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है। अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने ही तारीफ की है, तो क्या हम तब भी यही कहेंगे कि उन पर कोई दबाव डाला जा रहा है कि इंडिया की तारीफ करो? क्या कहेंगे आप? अब तो वो खुद जो है एक्सपीरियंस करके आए हैं और उन्होंने तारीफ की है, तो क्या कहेंगे हम इसके बारे में? नहीं नहीं, ऐसी वैसी मेरा नहीं ख्याल कि दबाव की सूरत हाल डेवलप होती है, और स्पेशल लम्स के स्टूडेंट हूँ या जो भी स्टूडेंट लॉबी जो वहाँ पर गई है, जो विजिट करने गई है, उन पर मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी किस्म का कोई दबाव
होगा उन्होंने। सर इंडिया ने 370 का आर्टिकल हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर अभी एक दुबई की एक कंपनी है सर, वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है सर, वो 10,00,000 मुरब्बा मील के अंदर एक मॉल बनाने जा रही है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रही है इंडिया के जम्मू कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर बनाने जा रही है। और आपने कभी विजिट किया हमारे कश्मीर को, जो आज़ाद कश्मीर है जो हमारे पास है? तो सर यहाँ के हालात देखते हुए, वहाँ के अगर सोचते हो तो क्या हालात होंगे मौजूदा पाकिस्तान के हालात देखते हुए? क्या वहाँ पे जो ना मॉल बनेंगे यहाँ, तो वहाँ पे तरक्की हो जाएगी ना बहुत ज्यादा हमारे कश्मीर में? नहीं, जहाँ पे ना मॉल बना रहे हैं वो लोग, नहीं हमारे कश्मीर की बात कर रहा हूँ, अगर पाकिस्तान के मौजूदा हालात देखते हुए हमारे कश्मीर के ऊपर क्या हालात होंगे, कैसा गुजारा होता होगा, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, कुछ पता है? बड़ा हुकूमत को यहाँ के भी हालात बेहतर करने चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बजट के अंदर पैसा रहना चाहिए उनके। अगर हमने इंडिया को कम्पीट करना है, इफ वी वांट टू बीट देम, तो मेरा ख्याल है हमें अपने एजुकेशन में, हमें अपने रिसर्च में, हमें अपनी आईटी की वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, ताकि हम इंडियन को वहां पर बीट कर सके, ना कि एक दूसरे को देखे बॉर्डर पे एक दूसरे को टांगे लंबी करके दिखाना, ये कहां कहीं कहां का मुकाबला है और कहां का ये कहते हैं कि हमें जज्बा बहुत है, हम उनका भी कश्मीर लेकर रहेंगे, आपको क्या लगता है क्या जज्बा है हमें, तो फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? कल्चर, आपका इल्म, आपकी तहजीब, आपकी लर्निंग, आपकी रिसर्च, आपकी एजुकेशन का लेवल स्ट्रांग होना चाहिए, और अगर यही हमारा स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली हमारी जो सोचे हैं वो और आप कह सकते ओवरलैपिंग होंगी इंडियन पे। और एक इंदिरा गांधी ने कहा था ना कि एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतना ताकतवर होगी कि हर इंडिया, हर पाकिस्तानी जो घर में बैठा होगा वो हमारे इंडियन की सोच पे चलेगा, यानी कि वो अपनी एक कल्चर को या अपनी तहजीब को इस तरीके से बयान कर रहे थे, इस वजह से ये तो क्या रिएक्शन मिला आपको? मैं तो आप बस ये पूछा कि ये जो आरएसएस है, ये जो मोदी मीडिया जिसे कहते हैं, मोदी मीडिया, इनमें क्या फर्क है? उन्होंने कहा जी कि हमारे जो सियासतदान है वो स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों की फौज स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से आपस में लड़ा रहे हैं। वो अभी अनवर मकसूद का एक कोट है, मैं देख रहा था, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता दुबई में, तो उसने कहा था कि हमारी फौज इसलिए कश्मीर को आजाद नहीं करें कहीं पीछे से पाकिस्तान आजाद ना हो जाए, तो उन्होंने भी हमें यही कहा है कि आपकी जो फौज है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके